Hello friends a great welcome to my channel I am Poonam Dua and today with me you are going to cover one very important topic for Masters Delhi University English This is written by Thomas Melville Lemotte daughter Anyone who has been my student in my live sessions they already know that I never ever suggest anyone to jump to the answer you should always you know start with the introduction of the writer some preface some introduction about the text also so here अगर आपको कोई भी question आता है इस text से related तो आप start करेंगे Thomas मेलरे के introduction के साथ काफी पॉपुलर इंग्लिश लैंग्वेज राइटर थे ही हैज रिटर्न आर्थिरियन लेजेंड जो कि हम कवर करने वाले हैं आज एंड दिस वॉज फर्स पब्लिश्ड बाई विलियम केक्स्टन जिनको क्रेडिट जाता है प्रिंटिंग प्रेस को लंडन में लेकर आने का फोर्टीन सेवनटी सिक्स में वो लेकर आए थे ट्रांसलेशन बोला जाता है जो हम कवर करने वाले हैं उसको बर्थ और डेथ हीयर भी आप देख लीजिए एक बार फोर्टीन टेन इज दर्थ हियर ऑल दो इट इज अनसर्टेन बट फोर्टीन सेवन श्योरली इज द डेथ ही आप इंट्रोडक्शन लिखिए अपने टेक्स्ट का कोई भी क्वेश्चन आपको इस टेक्स्ट से आए तो राइटर और राइटिंग के बारे में थोड़ा सा प्रीफेस जरूर लिखिए शुरुआत में एट बुक्स में लिखी गई थी लेकिन जब विलियम केकस्टर ने पब्लिश किया देन इट वाज कनवर्टेड इनटू 21 बुक्स 15 सेंचुरी का ये एक टेल है अबाउट लेजेंडरी किंग आर्थर जिसमें और भी कुछ कैरेक्टर हैं जैसे कि ग्युनिवर धीरे धीरे पता चल जाएंगे बहुत सारे resources, बहुत सारी फोकलोस को कंबाइन करके इस टेक्स्ट को बनाया गया है वो वन फ्रॉम मेनी डिफरेंट सोर्सेज मॉडर्न रीडर्स आर मोस्ट पेमुलर विदिफ्टीन सेंचुरी वर्जन इन टाइटल टू लेटेडर बाय थॉमस मिलोरी राउंड टेबल थी एक राउंड टेबल के अराउंड 150 नाइट्स बैठ सकते थे एंड वन सीट वॉज ऑलवेज वेकेंट टू सिंबलाइज द डिसाइपल जूडास जूडास जिन्होंने की जीसस को बीट्रे किया था ये भी आप इंट्रोडक्शन में ही लिखेंगे इसके बाद जब आप स्टोरी समझेंगे तो धीरे धीरे पूरा इंट्रोडक्शन भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा आप स्टोरी को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं देर इज अ किंग अथर पेंड्रेगन ई ग्रेन एंड ऑथर हमारी स्टोरी की हीरो ये तीनों कैरेक्टर्स आपस में कैसे रिलेटेड हैं लेटर्स अंडरस्टैंड द स्टोरी बिगिंस विद आथर पेंड्रेगन द किंग ऑफ इंग्लैंड हु यूज्ड टू लास्ट आफ्टर ए ग्रेन ए जो कि वाइफ थी टेंटेगेल की टेंटेगेल हो सी ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल एक बार इक्वेशन फिर से समझ लीजिए ए वाइफ ऑफ ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल टेंटेगेल

दी बर्थ ऑफ ऑथर ऑथर के पैदा होने के बाद मर्लिन दूजिशियन दू कैन सेनाउंस इंग्लैंड इंग्लैंड अंडर हिज रूल बहुत ही अच्छे ऐसे रूलर बनेंगे जो की सभी ऐसे किंग्स को जिनके आपस में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन चल रहे हैं उनको आपस में कंबाइन करेंगे यूनाइट करेंगे मर्लिन जानिए कौन है मर्लिन एक मिथिकल फिगर है is is featured prominently in the legend King author and is best known to be a magician. That roles 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 that also also those roles also we will cover. According author ंग बन भी गए हाउट इन डिटेल्टर इन नेक्स्ट वीडियो अभी शॉर्ट में समझ लेते हैं एक पत्थर था जिसमें एक तलवार थी उसको कोई भी निकाल नहीं पाता है एंड इट वॉज कि जो इसको निकाल पाएगा दैट कैन बिकम द

रियलिटी से कंपेयर नहीं कर सकते कुछ सुपर इवेंट्स होती हैं मिस्ट्रीसिज्म होता है लेकिन हमें वो मानना होता है जब हम एक टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम ये मानकर चलेंगे कि एक बड़ा सा पत्थर था जिसमें एक सॉर्ड थी और ऐसा माना जाता था कि जो भी इस सॉर्ट को बाहर निकाल पाएगा दैट विल बिकम द ग्रेटेस्ट किंग एवर सो ऑथर ऑप्टेन ब्रिटिश थ्रॉन बाय पुलिंग दैट सॉर्ट जिस सॉर्ट का नाम था एक्सकैलिबर ने भविष्यवाणी की थी कि दिस पर्सन विल बी वेरी ट्रू वेरी ग्रेट किंगफॉर्म्ड एक्सेप्ट ट्रू किंग मीनिंग द डिवाइनली अपॉइंटेड किंग्रू एयर ऑफ ऑथर पेंड्रथर जी के बिल्कुल ट्रू आने वाले उत्तराधिकारी कौन होंगे उन्हीं के बेटे अरोनिकली किंग

पूरी सिटी में पूरे प्लेस में अनरेस्ट की सिचुएशन आ जाती है सिविल वॉर शुरू हो जाती है बट सम हाउ इनिशियली ऑल्डो इमेच्योर बट स्लोली एंड स्टेडीली किंग ऑथर इज एबल टू हैंडल द सिचुएशन ही मैनेज टू विन एवरी थिंग ऑल दी वॉर्स एंड ही स्टार्टेड लर्निंग अबाउट हेरिटेज इन प्रोसेस टू अब किंग ऑथर की थ्रॉन सिक्योर हो गई है उनकी पावर बढ़ रही है कैपेसिटी बढ़ रही है मच्योरिटी बढ़ रही है He gets married. नाम की एक वो शादी करते हैं लेकिन राउंड टेबल एक अच्छा सिम्बॉलिज्म है राउंड टेबल कहने के लिए एक टेबल है बट इट इज दावर जिसके पास ये राउंड टेबल है जिसके पास वो राइट है कि इस राउंड टेबल के आस पास एक कॉन्फ्रेंस रन कर सके

हर कोई इक्वली एक दूसरे को देख पाता है यहाँ बैठकर तो किसी का कोई स्टेटस नहीं है आई एम हायर और यू आर लोअर ऐसा कुछ नहीं है राउंड टेबल को लेकर तो ये जो राउंड टेबल थी एक्चुअली इट रिप्रेजेंटेशन ऑफ शिवलरी द काइंड इमार्शल बिहेवियर ऑफ किंग ऑथर भी यही चाहते थे कि उनके कोर्ट में सबको इक्वल कंसिडर किया जाए कोई भी ऐसा ना हो कि स्टेटस या रैंक के लिए एक दूसरे के साथ फाइट करे गैदर करते हैं अपने कुछ फॉर्मर एनिमीज को भी एक साथ मिलाने की कोशिश करते हैं एट इज कैपिटल कैमिलॉट उनकी कैपिटल का नाम है एंड स्टैब्लिशेज द राउंड टेबल फेलोशिप आज ऑल स्वीयर टू पेंटेकॉस्टल ओथ पेंटेकॉस्टल ओथ क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे दिस इज अ गाइड फॉर नाइटली कंडक्ट बेसिकली जो एक अपने आप में रिप्रेजेंटेशन है कि एवरी वन हुज ज्वाइन दिस यू नो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दैट पर्सन इज वेरी मच शिविल रिक वेरी मच काइंड वेरी मच ब्रेव एंड वेरी अधेयर्स वेरी मच टू ऑल द रूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ बींग अटलमैन ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन किंग ऑथर यूनाइट्स इंग्लैंड एंड एस्टाब्लिशेज द ऑर्डर ऑफ द नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल एंड द कोड ऑफ ऑनर टू गार्ड द पीस एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री तो अब इस वीडियो में हमने जान लिया किंग के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम चैप्टर वन करेंगे उसका भी नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम चैप्टर सेवन करेंगे उसमें हम और ज्यादा जानेंगे किंग आ, किंग के सारे एक्सपीडिशंस के बारे में और उनकी फर्दर लाइफ के बारे में

So they can go for ME English entrance preparation and UGC Net preparation with us. The link to get connected to us for admission has been given in description.